बच्चों आज मैं आपको रासायनिक बलगति पाठ पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिए। हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शुक्ला आज आपको रासायनिक बलगति पाठ पढ़ा रहा हूँ। रासायनिक बलगति पाठ में आज मैं आपको बता रहा हूँ वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों वेग के आधार पर अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, वेग के आधार पर अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनके वेग को समान विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता है, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं आयनों के बीच में होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। ये अभिक्रियाएं आयनों के बीच में भी होती हैं, जैसे सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है। बच्चों एक बार फिर से देखिए, तात्कालिक अभिक्रियाएं, तात्कालिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनके वेग को सामान्य विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता है, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं आयनों के बीच में होती हैं, इसलिए इन्हें आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से लवण सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। सिल्वर आयन तथा क्लोराइड आयनों के संयोग से सिल्वर क्लोराइड बनता है। अति मंद अभिक्रियाएँ या आणविक अभिक्रियाएँ, वे अभिक्रियाएँ जो अणुओं के बीच में होती हैं उन्हें तथा बहुत ही धीमी अवस्था में होती हैं, अति मंद अभिक्रियाएं या आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण, जैव ईंधन का बनना, चट्टानों का क्षय होना। इसके बाद बच्चों हैं मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो कुछ घंटों या मिनटों में पूर्ण हो जाती हैं। मंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन होने पर जल तथा ऑक्सीजन गैस का बनना। प्यारे बच्चों इस विषय को अभी आप तैयार करिए, इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो इससे आगे बताऊंगा।